अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, होप सो यू आर ऑल एंजॉयिंग गुड हेल्थ। आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है ए पैसेज टू इंडिया बाय एम फॉस्टर। तो हम देख लेते हैं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कवर करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ एम फॉस्टर, देन बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बिहाइंड नोवल ए पैसेज टू इंडिया, देन डिटेल्ड समरी, एंड देन वी विल डिस्कस सिंबलिज्म एंड देन थीम्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल introduction of writer, that what is the full name of Ian Foster? Edward Morgan Foster. His name was Henry Morgan Foster, but at the time of baptization he was called Edward Morgan Foster. तो फिर तभी से इसका नाम हो गया Edward Morgan Foster. He born in 1897 and died in 1970. He born in London. He grew up with his mother and parental, यानी कि वो अपनी वालदा और अपनी फूफों के साथ बड़े, क्योंकि उनके जो उनसे वाले थे उनकी डेथ हो गई थी जब वो बच्चे थे। तो उन्होंने कैम्ब्रिज कॉलेज से स्टडी कंप्लीट की एंड आफ्टर स्टडिंग ही वर्क्ड एज अ वॉलंटियर इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। वॉलंटियर का मतलब रजाकार। तो एक इम्पोर्टेंट राइटर हैं, नोवलिस्ट हैं, एसिस्ट हैं, सोशल एंड लिटरेरी क्रिटिक हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, बायोग्राफर हैं, ट्रेवल राइटिंग हैं एंड ब्रॉडकास्टर हैं। इनको 13 डिफरेंट ईयर्स में प्राइज के लिए भी कहा कि नोबल प्राइज़ इन लिटरेचर, बट ही डिड नॉट रिसीव्ड। और ईएम फॉस्टर ख़ुद को कहते हैं ए प्रोफेसर ऑफ नेचर। नेचर के प्रोफेसर कौन सी? नेचर कौन सी? जो वो नहीं जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कह दिया या जो बाकी रोमांटिक पोएट्स ने कहा, ये कहते हैं कि मैं यानी कि ह्यूमन साइकी का नेचर हूँ। देयर नेचर इज़ ह्यूमन नेचर। फॉस्टर कॉल्ड हिमसेल्फ ह्यूमनिस्ट। तो इनका जो उनसे योनरा है वो है रियलिज्म, मॉडर्निज्म। राइटिंग स्टाइल जो सा है वो थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ करते हैं, और इस नॉवल में भी हम देखेंगे कि उन्होंने थर्ड पर्सन नरेशन यूज़ किया एंड रिलाइड ऑन लॉट ऑफ डायलॉग्स टू डिवेलप द स्टोरी लाइंस। देयर इज स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इवेंट्स फॉलो वन अनदर इन लॉजिकल ऑर्डर टू डिवेलप प्लॉट। तो जो इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं वो हैं ए रूम विद अ व्यू, मोराइस, द लॉन्गेस्ट जर्नी, हॉवर्ड्स एंड वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड एंड अ पैसेज टू इंडिया। दिस वर्क टुक 13 ईयर्स टू बी कंप्लीट। नेक्स्ट हम इस वर्क के की फैक्ट्स देख लेते हैं कि टाइम एंड प्लेस जो सी है वो है 1912 टू 1924, यानी कि कब लिखी गई? 1924 तक लिखी गई। और ये नोवेल हाफ इंडिया में लिखा गया और हाफ इंग्लैंड में लिखा गया। जो उनसे जॉनरा है इस नोवेल का वो है मॉडर्निस्ट नोवेल, साइकोलॉजिकल नोवेल। और जो सा नरेटर है वो है अननेम्ड थर्ड पर्सन नरेटर। और पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें नरेटर जो सा है वो ओमनीसिएंट है, यानी कि ओमनीसिएंट वो जो गायब हो, नज़र ना आ रहा हो, हमें पता ना हो कि वो कौन है। अट्यून्ड बोथ टू द फिज़िकल वर्ल्ड एंड इनर स्टेट्स ऑफ द कैरेक्टर्स, यानी कि वो हमें जो बाहर हो रहा होता है वो सब भी बताएगा। और राइटर की और जो सॉरी कैरेक्टर की जो उनसी इनर कंडीशन है, जो उनसे उनके दिमाग वगैरह में चल रहा है, वो सब भी हमें बताएगा नरेटर। और जो इस नॉवल के अंदर सेटिंग है टाइम की वो 1910s है या 1920s है। और जो टेंस इसमें यूज़ हुआ है वो है इमीडिएट पास्ट टेंस यूज़ हुआ है। प्रोटागोनिस्ट इस नॉवल के हैं डॉक्टर अजीज़। तो इस नोवेल में जो लोकेशन यूज़ होगी वो इस नोवेल को हम बेसिकली थ्री सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज़ द सिटी ऑफ चंद्रापुर, जिसका असल यानी कि जो सी वो असल जगह थी वो थी वैंकपोर। वैंकपोर इंडिया में ही एक जगह थी, यानी कि वन ऑफ द सिटीज़ विच फॉस्टर विजिटेड इन इंडिया। और जो चंद्रपुर की सिटी थी इसमें बेसिकली ज़्यादातर मुस्लिम्स थे,
और फिर नेक्स्ट है माराबार केव्स। माराबार केव्स असल में बाराबार केव्स थे, BARABAR, बाराबार केव्स थे। और जैसे माओ सिटी है वो थी असल में छतरपुर, यानी कि ये थी इस लोकेशन की बैकग्राउंड की, यानी कि असल में वो क्या थे और फिर हमें इस स्टोरी में क्या बताया गया है। तो चंद्रपुर सिटी है, मारावर केव्स है, माओ जूनस है वो इसमें हिंदू रिजन है, टेंपल है एक। और इस लोकेशन की इम्पोर्टेंस इसलिए भी ज़्यादा है कि जैसे जैसे हमारे पास लोकेशन चेंज होती है, हमारे पास स्टोरी चेंज होती है, हमारी स्टोरी की प्लॉट की कंस्ट्रक्शन होती जाती है, आगे आगे हमारे पास नॉवल बढ़ता जाता है। हर एक लोकेशन अपनी ख़ास सिग्निफिकेंट रखती है, ख़ास इम्पोर्टेंट रखता है। अब हम देख लेते हैं कि बैकग्राउंड क्या है स्टोरी का, फॉस्टर को कहाँ से इसकी इन्फॉर्मेशन मिली। तो फॉस्टर ने इंडिया आने से पहले ही, फॉस्टर ऑलरेडी गेंड ए विविड पिक्चर ऑफ इट्स पीपल एंड प्लेसेस फ्रॉम ए यंग इंडियन मुस्लिम नेम्ड सैयद रोस मसूद, जो कि फॉस्टर का एक बहुत ही अच्छा क्लोज फ्रेंड था, बहुत ज़्यादा इंटीमेसी थी इन दोनों के दौरान। फॉस्टर को उसने अपने बाकी दूसरे इंडियन फ्रेंड्स के साथ मिलवाया और फॉस्टर को यहाँ के कंडीशन, यहाँ के प्लेस, यहाँ के कंडीशंस का पहले ही पता चल गया था। और सैयद रोज़ मसूद और इसके दरमियान बहुत ज़्यादा इंटीमेसी थी, जिसकी वजह से ईएम फॉस्टर पर होमोसेक्सुअलिटी का चार्ज भी लगा दिया गया था और ईएम फॉस्टर नेवर गॉट मैरिड इन हिज लाइफ। एंड ईएम फॉस्टर फर्स्ट विजिटेड इंडिया इन 1912 एंड देन ही स्टार्टेड टू राइट ऑनवर्ड्स इज दिस नॉवल टू 1924 एंड दिस इज़ द लास्ट नॉवल ऑफ ईएम फॉस्टर एंड वन ऑफ हिज मोस्ट फेमस नॉवल्स। बहुत फेमस वर्क है ये उसका, ए पैसेज टू इंडिया। सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिटेल्ड समरी। हम इसको तीन सेक्शंस में करेंगे। तो सिटी स्टार समरी स्टार्ट होती है चंद्रपुर की सिटी के डिस्क्रिप्शन से, जो कि एक फिक्टिव सिटी है यहाँ पर। और ये सिटी ऐसी है कि जो बहुत ही यानी कि बैकवर्ड है, पसमानदा है, और ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पर हर एक चीज़ कीचड़ से बनी हुई है। बहुत ही यानी कि यहाँ के लोगों के ख़राब हालात हैं। और जो इस सिटी की ब्यूटी में अगर कोई चीज़ इजाफ़ा करती है, या इजाफ़ा नहीं, अगर कोई चीज़ यानी कि इसको थोड़ा बहुत खूबसूरत बनाती है, तो वो है यहाँ के जो उनसे ब्रिटिशर्स हैं वहाँ, वो उनके बुलंद वाला इमारत, तो वो चीज़ इसको खूबसूरत बनाती है। तो इसकी जो सी समरी स्टार्ट होती है, तो वहाँ डॉक्टर अजीज़ जो कि हमारे प्रोटागोनिस्ट हैं, वो हमीदुल्ला और महमूद अली से बात कर रहे होते हैं कि क्या कभी ब्रिटिशर्स और इंडियन फ्रेंड बन सकते हैं। तो ये यानी कि इनके दरमियान डिस्कशन हो रही होती है, जबकि हमीदुल्ला हैं वो ब्रिटिश कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं और वो कहते हैं कि इंडियन और ब्रिटिशर्स के फ्रेंड हो सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन में ही, इंडिया के अंदर नहीं वो फ्रेंड्स बन सकती, क्योंकि वो इंडिया के अंदर अपनी पावर को शो करना चाहती हैं, इसलिए वो नहीं बन सकते, लेकिन ब्रिटेन में वो बन जाएंगे। लेकिन इनके दरमियान नहीं बहस और तकरार हो रही होती है कि नहीं, वो नहीं बन सकते आपस में फ्रेंड्स। और फिर हम देखते हैं कि दो लेडीज़ आई होती हैं, मिसेस मोर और एंड एडेला क्वेस्टेड, ये इंग्लैंड से आई होती हैं यहाँ पर। और इन दोनों लेडीज़ को घूमने का बहुत शौक़ होता है और वो इस सिटी में आई होती हैं। मिसेस मोर जो कि यहाँ के सिटी के मजिस्ट्रेट रोनी हेंसलूप की मदर होती हैं, और एडेला क्वेस्टेड वो आई होती हैं ताकि वो रोनी को जान सके और उससे फिर शादी कर सके। और मिसेस मोर शादी फिक्स करने आई हुई हैं। और जो सी मिसेस मूर हैं, इसके तीन बच्चे होते हैं, रोनी हिस्लोप इसका बेटा है, और इसकी दो शादियां हुई होती हैं। जो से पहले वाले हस्बैंड से वो है रोनी हिस्लोप, और फिर बाकी जो से आगे हम फर्दर डिस्क्राइब करेंगे कि इसके अगले कौन से बच्चे हैं। और डॉक्टर अजीज़ के भी तीन ही बच्चे हैं। और फिर ये लोग आए होते हैं ताकि वो इस सिटी को के बारे में थोड़ा बहुत विज़िट कर सकें, और रोनी हिस्लोप से उनकी शादी हो सके, शादी के बारे में जान सकें। और वो एडेला क्वेस्टेड की अपने बेटे के साथ शादी करने फिक्स करने आई होती हैं।
और डॉक्टर अज़ीज़ जब ये डिस्कशन कर रहे होते हैं तो फिर यहाँ के जौनसी सिटी के डॉक्टर अज़ीज़ सर्जन होते हैं, बेहतरीन सर्जन होते हैं, और मेजर कैलेंडर की तरफ से इन्हें बुलाया जाता है कि मेजर कैलेंडर इनको बुला रहे हैं, वो उनसे भी सीनियर फिजिशियन होते हैं, सीनियर डॉक्टर होते हैं, और ये जा रहे होते हैं अपनी बाइक पर ताकि ये मेजर कैलेंडर के साथ मिल सकें। लेकिन ये देर हो जाती है क्योंकि रास्ते में इनकी बाइक का टायर पंक्चर हो जाता है, और फिर जब ये जा रहे होते हैं तो फिर इन्हें देर हो जाती है, और जब तो फिर देर हो जाती है, तब तक मेजर कैलेंडर अपने बंगलों को छोड़कर चले गए होते हैं। और फिर ये जिस तांगे में वहाँ तक आए होते हैं, ये जब वहाँ से जा रहे होते हैं, मेजर कैलेंडर की बीवी इसका तांगा भी ले जाती है। ये यानी कि ये हमें वो बारबेरिक एटीट्यूड इनका दिखा रहे होते हैं कि ब्रिटिशर्स यानी कि हर एक मामले में जो उनसे इनके राइट्स के किसी न किसी तरह से इनको अपने राइट्स से दूर रखा हुआ था। और फिर जब ये रास्ते में आ रहे होते हैं डॉक्टर अज़ीज़, तो रास्ते में इनको अपनी एक फेवरेट मस्जिद दिख जाती है, और ये जब उस मस्जिद में जाते हैं तो ये देखते हैं कि एक इंग्लिश लेडी, स्ट्रेंज इंग्लिश लेडी वहाँ पर इनको नज़र आते हैं, और ये उनको गुस्से से कहते हैं कि आपको नहीं पता कि जूते बाहर उतारने चाहिए मस्जिद के। तो वो लेडी इनको बहुत ही यानी कि तमीज़ से जवाब देती हैं, बहुत ही पोलाइट मैनर में जवाब देती हैं कि मुझे पता है कि यानी कि रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और मैं यहाँ के रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, यहाँ के ट्रेडिशंस की रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैंने अपने जूते बाहर उतारे हुए हैं। और ये लेडी कौन थी? मिसेस मूर। फिर जब ये देखते हैं कि किसी इंग्लिश लेडी ने इसको इतने अच्छे से जवाब दिया है, तो फिर ये इम्प्रेस हो जाता है उसके इस जवाब से, और फिर ये दोनों आपस में बातें करते हैं थोड़ी देर तक, और ये फिर फ्रेंड बन जाते हैं, और ये मिसेस मूर को ब्रिटिश क्लब तक छोड़ आता है, और ये ब्रिटिश क्लब तक छोड़ आता है। और फिर जो से मिसेस मूर होती हैं वो वहाँ पर अपने इस एक्सपीरियंस को दूसरे लोगों के साथ बता रही होती हैं कि वो आज मस्जिद में ऐसे मिली। तो इसके बेटे रोनी हिस्लूप को लगता है कि ये किसी इंग्लिश मैन की बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि ये किसी इंडियन मैन के बारे में बात कर रही है, तो उसे अच्छा नहीं लगता कि यानी कि ऐसे उसकी माँ किसी भी इंडिया के आदमी से मिले, क्योंकि वो इंडिया के लोग को अच्छा नहीं समझता, वो समझता है कि ये अनलर्नड है, हम मास्टर हैं, ये हमारे स्लेव्स हैं, यानी कि ये समझते कि उनको उनके राइट्स नहीं देने चाहिए। लेकिन इसकी मदर अच्छी होती है, और फिर मिसेस मूर एंड एडेला क्वेस्टर कहते हैं कि हमें यानी कि इंडिया की सिटी को विज़िट करना है, चंद्रपुर की सिटी को विज़िट करना है हमने, तो यहाँ के लोकल कलेक्टर होते हैं मिस्टर टर्टन, स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे आपको उनके नाम की स्पेलिंग, तो मिस्टर टर्टन इनके लिए एक ब्रिज पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर टॉप क्लास के इंडियंस को बुलाया जाएगा और इंग्लिश लोग होंगे, और फिर ये दोनों आपस में बात करेंगे, और फिर ये आपस में एक दूसरे को जान सकेंगे। तो इनका ये मकसद था कि जो उनसे फासले हैं उनको ख़त्म किया जा सके। तो लेकिन क्या होता है, और इस पार्टी में प्रोफेसर नायान गोडबोल को भी बुलाया जाता है, और उनको क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि वो बर्हमन का इंडिया के अंदर चार है ना बेसिकली क्लासिफिकेशंस, तो जो उनसे सबसे टॉप की क्लासिफिकेशन है इंडिया की वो बर्हमन है, बाकी भी हम जाते हैं बर्हमन वेद शोधर वेश खस्त्री, तो बर्हमन जो उनसे सबसे टॉप क्लास है। तो फिर प्रोफेसर नायान गोडबोल को बुलाया जाता है इस पार्टी में, लेकिन ये पार्टी फेल हो जाती है। इसमें जो उनसे इंग्लिश लोग होते हैं वो एक साइड पर होते हैं, और इंडिया के लोग जो उनसे होते हैं वो एक साइड पर होते हैं, जो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे होते हैं, तो इनके दरमियान जो क्लैशेस हैं वो ख़त्म नहीं होती। और इस पार्टी में एक और इंग्लिश मैन होते हैं सिरिल फील्डिंग, वो बाकी लोगों के साथ भी अच्छा बोल रहे होते हैं, और वो जब देखते हैं कि मिसेस मूर और डेलक वेस्टेड बहुत अच्छे से दूसरे लोगों के साथ बात कर रही हैं, तो वो भी ये तो फिर वो इनके इस फ्रेंडली गेस्टर से बहुत इम्प्रेस होता है, और वो फिर मिसेस मूर एंड एडेला क्वेस्टर को अपने घर टी पार्टी पर बुलाता है। तो इधर ही एडेला क्वेस्टर भी कहती है यानी कि वो कहती है कि डॉक्टर अज़ीज़ कौन है। तो फिर डॉक्टर अज़ीज़ और सिरिल फील्डिंग ने एक दूसरे के बारे में सुना तो होता है, लेकिन
वो एक दूसरे, लेकिन कभी एक दूसरे से मिले नहीं होते, तो फिर वो एडिटर क्वेस्टर को कहते हैं ठीक है मैं उन्हें भी टी पार्टी पर बुला लूँगा। और सिरिल फील्डिंग कौन होते हैं, सिरिल फील्डिंग को एजुकेशन से बहुत ही रग़बत होती है और वो यहाँ के स्कूल मास्टर होते हैं। और फिर जब डॉक्टर अजीज को पता चलता है कि उसे यहाँ के स्कूल मास्टर ने इनविटेशन कार्ड भेजा है, तो फिर वो यहाँ की टी पार्टी में आ जाते हैं। और इस पार्टी में प्रोफेसर नायान गोडबोल को भी बुलाया जाता है। और फिर इस टी पार्टी में सिरिल फील्डिंग और डॉक्टर अजीज़ एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, और ये मिसेस मोर को इंडिया के कस्टम ट्रेडिशंस के बारे में बता रहे होते हैं। और फिर जो से वो होते हैं मिसेस मोर एंड सिरिल फील्डिंग बाहर ग्राउंड देखने के लिए चले जाते हैं। और फिर अंदर कौन रह जाते हैं, अजीज़, डॉक्टर अजीज़, एडेला क्वेस्टिट एंड प्रोफेसर नायान गोडबोल। तो फिर जब रोनी हिस्लो पाता है और वो देखता है कि ये एक इंग्लिश लेडी इंडियंस आदमियों के साथ खड़ी हुई है, तो उसी यानी कि ये बात अच्छी नहीं लगती। और फिर जब सिरिल फील्डिंग आता है तो फिर वो ये देखता है और सिरिल फील्डिंग को ये डांटता है कि यानी कि उसने क्यों छोड़ा इंडियन आदमियों के साथ एक लेडी को। तो फिर ये जो एटीट्यूड होता है ना, ये एडेला क्वेस्टेड को अच्छा नहीं लगता कि इसने यानी कि ये ऐसा क्यों इंडियंस को कह रहा है, इंडियंस भी तो इंसान ही है। यानी कि एडेला क्वेस्टेड समझती है कि ये बर्ताव उसका अच्छा नहीं है। और वो फिर क्या करती है कि टी पार्टी के बाद वो कह देती है रोनी हेंसलो को कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि वो यहाँ पर आई ही इसलिए होती है ताकि वो रोनी हेंसलो को समझ सके और फिर वो यानी कि फैसला कर सके कि वो इसके साथ शादी करेगी या नहीं। लेकिन उसे इसका ये बर्ताव अच्छा नहीं लगता और वो ये कहती है, इसे इनकार कर देती है कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी। और फिर इस टी पार्टी में डॉक्टर अजीज़ और सिरिल फील्डिंग बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और फिर वही सिरिल फील्डिंग ही एक ऐसा आदमी होता है कि जिसको डॉक्टर अजीज़ की बीवी मर गई होती है, इसके 3 बच्चे होते हैं। और फिर डॉक्टर अजीज़ सिर्फ सिरिल फील्डिंग को ही अपनी बीवी की पिक्चर दिखाते, किसी और को वो नहीं दिखाते, और ख़ास तौर पर इंग्लिश मैन को तो वो बिल्कुल भी ना दिखाए। लेकिन सिरिल फील्डिंग को उसको अच्छा लगा और उसने उसको अपनी दिखा दी। और इस टी पार्टी के बाद जो से डॉक्टर अजीज़ हैं वो इन लोगों को कहते हैं कि मैं आप लोगों को माराबर्ग केव्स की तरफ लेकर जाऊंगा, यानी कि वो एक यानी कि ऑर्गेनाइज़ करवा देता है विजिट की वो आगे इस इंसिडेंट को हम डिस्क्राइब करेंगे माराबर्ग केव्स को। माराबर्ग केव्स का सीन बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। तो फिर जब रास्ते में वो एडेला क्वेस्टेड और रोनी हिस्लो वापस जा रहे होते हैं नवाब बहादुर की कार में, वो भी इंडियन आदमी होता है लेकिन वो ब्रिटिश लॉयलिस्ट होता है, वो ब्रिटिश की तरफ होता है। जब भी उसकी कार में जा रहे थे वापस, तो इन्हें एक सडन जोल्ट लगता है, झटका लगता है, और फिर ये एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर वहाँ पर एडेला अपना माइंड चेंज कर देती है और वो कहती है कि नहीं, मैं करूँगी रोनी के साथ शादी, और ये वापस मान जाती है। तो अब नेक्स्ट इंसिडेंट है हमारे पास माराबर्ग केव्स का। माराबर्ग केव्स में कौन कौन जा रहा होता है, सिरिल फील्डिंग, डॉक्टर अजीज़, प्रोफेसर नायान गोडबोल, मिसेस मोर एंड एडेला क्वेस्टेड। इन लोगों ने सोचा होता है कि इन लोगों की यानी कि एक पार्टी सी बन जाती है कि हम लोग जाएंगे और रोने इस लोग एडेला क्वेस्टेड के लिए एक गार्ड रख लेते हैं ताकि वो एडेला क्वेस्टेड का ख्याल रख सके, क्योंकि उसे इंडियन आदमियों पर भरोसा नहीं होता है। तो फिर जब ये जा रहे होते हैं, लेकिन प्रोफेसर नयान गोडबोल एंड सिरिल फील्डिंग ट्रेन की वजह से लेट हो जाते हैं और वो पहुंच नहीं पाते। तो फिर वो कहता है, डॉक्टर अजीज़ कहता है कि अब यानी कि सारी पार्टी तो ख़राब हो गई, लेकिन एडेला क्वेस्टेड के और कहती है कि कोई बात नहीं, हम चलते हैं। तो फिर वो लोग जा रहे होते हैं। और तो यहाँ पर इससे पहले डॉक्टर अजीज़ कभी नहीं गए होते माराबर्ग केव्स की तरफ, और वो सोचते हैं काश प्रोफेसर नायान गोडबोल होता तो कुछ हेल्प हो जाती। तो फिर वो इसके लिए एक गाइड अरेंज कर लेता है और कि ताकि वो उनको बता सके। और फिर जब ये लोग जा रहे होते हैं तो अभी फर्स्ट केव पर ही होते हैं कि मिस मोर, जो कि
उनको एक क्लास्ट्रोफोबिया का अटैक हो जाता है, जो कहाँ होता है कि जब इंसान किसी छोटी जगह पर जाए या तंग जगह पर जाए या रशी प्लेस पर जाए तो वहाँ पर सफोकेशन सी होती है, ये कुछ लोगों को होता है। तो फिर उसे सफोकेशन होती है और वो कहती है कि मैं आगे के उस पर नहीं जाऊँगी। और फिर सिरल नहीं सॉरी डॉक्टर अजीज एंड एडिलक वेस्टेड आगे जा रहे होते हैं ताकि वो आगे नेक्स्ट केव्स को विजिट कर सकें। तो फिर वो जा रहे होते हैं, यहाँ पर एडिलक वेस्टेड को लगता है कि उसे रोनी के साथ शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि दोनों का माइंड नस यानी कि एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रहा। और फिर ये ना उससे पूछती है, डॉक्टर अजीज से पूछती हैं कि क्या आपकी एक से ज़्यादा वाइफ्स हैं। लेकिन डॉक्टर अजीज़ को ये सवाल गुस्सा दिला देता है और उसे अच्छा नहीं लगता कि उससे ये सवाल पूछा जाए। तो वो क्या करता है कि अपने आप को नॉर्मल करने के लिए दूसरे केव में चला जाता है। और फिर जब वो नॉर्मल होकर वापस आता है तो वो देखते हैं कि एडिला क्वेस्टेड तो है ही नहीं। तो फिर वो गाइड से पूछते हैं कि एडिला कहाँ है। तो फिर गाइड उसे बताता है कि पता नहीं वो कहाँ चली गई, अचानक से चली गई हैं। फिर डॉक्टर अजीज़ को बहुत गु़स्सा आता है कि यानी कि उसने उसका ख्याल गुन रखा और वो इसे थप्पड़ मारकर तो उसे डांट टपट कर तो भगा देता है उस गाइड को। और फिर जब वो उधर से ऊपर से देख रहा होता है तो एडिला क्वेस्टेड नीचे खड़ी होती हैं लेडी मिस डेरक के साथ। ये एक ब्रिटिश लेडी होती है लेकिन ये हिंदुओं के साथ काम कर रही होती है। और फिर ये उनकी कार ऐसे ही उठा कर ले आती है, उन्हें बताती भी नहीं है। तो और तो फिर ये वहाँ पर मिस डेरक आ जाती हैं और एडिला क्वेस्टेड उनके। और फिर जब डॉक्टर अजीज़ एडिला क्वेस्टेड को ढूंढ रहे होते हैं उन केस में तो वहाँ पर उनको एडिला क्वेस्टेड के बाइनोकुलर्स दूरबीन नज़र आते हैं और वो उनको अपनी जेब में डाल देते हैं। फिर जब वो ऊपर से देखते हैं कि एडिला क्वेस्टेड ऐसे बात कर रहे थे तो उन्हें लगता है कि चलो सब ठीक है। वो जब नीचे आता है मिसिस मूर को लेकर तो एडिला क्वेस्टेड फ़ौरन से गाड़ी में बैठकर चली जाती है कुछ भी एक्सप्लेन किए बगैर। और फिर वो सिरिल फील्डिंग से पूछती हैं, सिरिल फील्डिंग डॉक्टर अजीज से पूछती हैं कि क्या हुआ है ऐसा। तो वो कहते हैं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि वो उसे नहीं बताता कि इसने मुझसे मेरी वाइफ के बारे में पूछा। तो वो इसे कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर सिरिल फील्डिंग कहते हैं अच्छा ठीक है कुछ नहीं हुआ। तो ये लोग ट्रेन पकड़ कर आ जाते हैं। तो जैसे ही ये आते हैं डॉक्टर अजीज़ को पुलिस पकड़ लेती है। अब पुलिस क्यों पकड़ती है, उधर सीन केस में तो ऐसा कुछ नहीं किया उसने कि उसे पुलिस पकड़े। तो फिर ये जब एमसी ब्राइड नामी पुलिस होते हैं वो कहते हैं कि ये फिर वो ये जब इन्वेस्टिगेट ये पूछते हैं कि यानी कि क्यों वो डॉक्टर अजीज़ को पकड़े हैं। तो वो कहते हैं कि इन्होंने केव्स में एडिला क्वेस्टर के साथ गलत करने की कोशिश की। तो फिर और फिर केस चलता है और फिर ये होता है कि एडिला क्वेस्टेड कहती है कि जब हम केस में थे तो इस ये मेरे पीछे आए और उन्होंने फिर ऐसे ही इनके मेरे साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। तो एडिला ने अपने आप को बचाने के लिए उस पर बाइनोकुलर्स फेंक दिए थे। और फिर जब वो उसकी तलाशी ली जाती है तो वो बाइनोकुलर्स निकल आते हैं। और फिर जौन सी एमसी ब्राइड पुलिस सुपरिटेंडेंट होते हैं वो कहते हैं कि ये इंडियंस ऐसे ही होते हैं, ये जौन सी ब्लैक होते हैं ये वाइट में यानी कि वाइट पीपल के तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। तो यानी कि वो ये ऐसी बात भी करता है। तो एक और चीज़ जो डॉक्टर अजीज़ के लिए एक यानी कि अगेंस्ट एक एविडेंस बन जाती है वो होती है जब उसके घर से एक उसकी ही बीवी की पिक्चर दरियाफ्त की जाती है। तो फिर वो लोग मानने से इनकार कर देते हैं कि ये डॉक्टर अजीज़ की वाइफ है। वो कहते हैं कि नहीं ये डॉक्टर अजीज़ की वाइफ नहीं है, ये कोई और ही है। तो इस सारे इंसिडेंट में सिरल फील्डिंग और मिसेस मोर को लगता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, डॉक्टर अजीज़ जैसे इनोसेंट इंसान ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर जब डॉक्टर अजीज़ बहुत ज़्यादा यानी कि कोशिश करता है डॉक्टर नहीं सॉरी डॉक्टर अजीज़ नहीं सिरल फील्डिंग बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि कुछ ना कुछ करके वो यानी कि पता चलवा सके कि ये बात क्या है। तो फिर जो से कोई भी उसकी मदद नहीं कर रहा होता। अब इंडियंस तो चाह रहे होते हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे होते हैं कि डॉक्टर अजीज़ के लिए वो कुछ कर सकें।
लेकिन वो कुछ सिर्फ फीलिंग कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, और फिर उन्हें लगता है कि अब जो सी आखिरी आखिरी तरीका वो कर सकते हैं वो ये कि वो एडेला क्वेस्टर के साथ बात करें। और फिर जब फाइनल ट्रायल होता है और एडेला क्वेस्टर को कहा जाता है कि यानी कि वो सही से सोचें कि उस दिन क्या हुआ था, तो फिर वो बताती है कि जब वो सही से सोचती है तो फिर बताती है कि नहीं, उस दिन केव्स में डॉक्टर अजीज नहीं बल्कि कोई और था, और उन्हें भी केव्स में कोई ऐसी आवाज़ सुनाई दी जैसे जब मिसिस मूर को सुनाई दे रही थी, यानी कि इकोस कुछ इकोस गूंज को कहते हैं। तो फिर उन्हें लगा कि तो फिर वो उन्हें लगा कि ये डॉक्टर अजीज इनके पीछे आ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, उन्होंने ऐसा गलती से किया। और जहाँ पर जो उनसे वो होते हैं जज होते हैं वो हिंदू होते हैं, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते थे कि जज हिंदू क्यों है। और फिर डॉक्टर अजीज़ वहाँ पर बाइज्जत बरी हो जाते हैं, और एडिला क्वेस्टर पर 20,000 का चार्ज लग जाता है, और ये चार्ज इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, रोनी हिस्लो भी इसको पे नहीं कर सकता था। और फिर डॉक्टर अजीज़ बाहर आ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर अजीज़ जब बाहर आते हैं ना तो उन्हें खुशी नहीं होती, वो कहते हैं कि जब मैं कह रहा था कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तो मेरा नहीं माना गया, लेकिन जब एक इंग्लिश लेडी ने कहा तो उसकी बात मान ली गई। और इधर से इंडियंस क्योंकि तो खुश होते हैं, लेकिन जो से रोनी हिस्लो होता है वो एडेला क्वेस्ट के साथ मंगनी तोड़ देता है, और जो से मिसेस मूर होती हैं वो इस सारे मामले में समझती हैं कि डॉक्टर अजीज ऐसा नहीं कर सकते, तो रोनी हिस्लो उन्हें वापस इंडिया इंग्लैंड भेज देते हैं, और वो रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है। और रोनी हिस्लो एडेला क्वेस्टर के साथ एंगेजमेंट तोड़ देते हैं, और सारे लोग एडेला क्वेस्टर के ख़िलाफ़ हो जाते हैं। जो से इंडियंस होते हैं, इंडियंस तो पहले से ही होते हैं, जो से इंग्लिश होते हैं वो भी इसका साथ छोड़ देते हैं, और एडेला क्वेस्टर को कोई अपने पास नहीं रख रहा होता, और सिरिल फील्डिंग फिर उनको अपने घर में बना देते हैं। फिर वो सिरिल फील्डिंग एडेला क्वेस्टर को समझाती है कि चलो जो भी हुआ गलती से हुआ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं था, सब कुछ तो ईकोस की वजह से हुआ है। लेकिन जब ये सब डॉक्टर अजीज को पता चलता है कि एडेला क्वेस्टर ने इस पर गलत चार्ज लगाया और ये उसी को ही अपने घर में बना दे रहा है, तो वो समझता है कि यानी कि सिरिल फील्डिंग सही नहीं है, और इनके दरमियान दोस्ती टूट जाती है। और वो ये कहता है कि एक इंग्लिश और इंडियन कभी भी दोस्त नहीं बन सकते। तो नेक्स्ट इंसिडेंट है हमारे पास माउर रेज का ही, ये हिंदू रिजन है, जैसे कि वो चंद्रपुर मुस्लिम रिजन था, ये हिंदू रिजन है, और ये टेंपल है, और यहाँ पर इस वक्त जब ये सेक्शन स्टार्ट होता है तो गॉड कृष्णा उसकी बर्थडे सेलिब्रेट की जा रही होती है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या होता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट इंसिडेंट है। ये जैसे लोकेशन चेंज हुई है हमारे पास स्टोरी भी चेंज होती है, तो हम देखते हैं कि जो से 2 साल गुजर जाते हैं, और फिर ये सेक्शन स्टार्ट होते हैं, और फिर अजीज़ जो से थे वो चीफ फिजिशियन बन जाते हैं यहाँ माओ प्लेस में। और फिर वो जब यहाँ आते हैं तो फिर वो एडिला सॉरी कुछ पार्ट में पीछे से बताना भूल गई, हमारा पर केस का जब हम सेक्शन डिस्कस कर रहे थे, तो फिर जब लास्ट में एडेला क्वेस्टर सिरिल फील्डिंग के घर पर रुक रही होती हैं, तो फिर वो जब वहाँ से वापस इंग्लैंड चली जाती हैं तो फिर सिरिल फील्डिंग भी इनके साथ ही चले जाते हैं। और यहाँ से उसको लगता है डॉक्टर अजीज़ को कि इसने अब एडेला क्वेस्टर से शादी करनी है, और फिर यहाँ से उसे मज़ीद गलतफहमी आ जाती है। वो कहता है कि इंडिया इंडियंस उन्हें ब्रिटिशर्स का भी दोस्त नहीं बन सकते। और फिर जब माओ रिजन स्टार्ट होता है तो फिर अजीज़ यहाँ पर आता है, वो चीफ फिजिशियन बन जाता है, और फिर यहाँ पर अजीज़ सिरिल फील्डिंग एक दूसरे के साथ दोबारा मिलते हैं, और यहाँ पर वो पता चलता है सिरिल फील्डिंग को कि अजीज़ ने डॉक्टर अजीज़ को पता चलती है कि सिरिल फील्डिंग ने शादी कर ली, और वो कहते हैं कि ये एडिला ही होगी जिसके साथ शादी की। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सिरिल फील्डिंग ने डॉक्टर सिरिल फील्डिंग ने एडिला क्वेस्टर के साथ नहीं बल्कि स्टीला मूर जो कि मिसेस मूर के साथ शादी की है, और फिर यहाँ पर वो अपने ब्रदर इन लॉ रॉल्फ मूर के साथ भी होते हैं और अपनी वाइफ स्टीला मूर के साथ होते हैं, तब इसकी सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाती है, और फिर ये लोग आपस में फिर फ्रेंड्स बन जाते हैं। लेकिन जो सा इसका ड्रीम होता है कि जो सी इंडिया की सिटी है उसको फ्री हो जाना चाहिए ब्रिटिश रूल से, वो अब भी नहीं गिव करता, गिव अप नहीं करता इस ड्रीम को। और वो ये कहता है सिरिल फील्डिंग को कि जब इंडियंस और ब्रिटिशर्स
ये कि ब्रिटिशर्स इंडियंस के ऊपर से अपनी हुकूमत ख़त्म कर देंगे तो ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं ये बन सकते। तो ये थी इसकी समरी। होप सो यू पीपल हैव अंडरस्टूड इट। तो इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसके सिंबलिज्म और थीम्स को डिस्कस करेंगे, और फिर उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब दिस चैनल, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।